इतनी जोर की थी वह लात, रोया हाथी दिन और रात, आंसू उसके बहते जाते, नदी और नाले भरते जाते, भरी नदी और आई बाढ़, डूब गए सब पेड़ बहार, इतनी जोर की थी वह लात, मानो न मानो हुई है बात। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ में आ जाएगी, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में ना समझ है। कुछ समझ आया बेटा? नहीं। चलो और सुनो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब कुछ समझ में आया? नहीं। चलो अब और सुनो। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है बेटा? यस, अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा अलंकार, बट हिंदी में नहीं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो हम शुरू करते हैं आज फिगर ऑफ स्पीच। बेटा अलंकार मैंने होता है गहना, जिस प्रकार गहने किसी औरत की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार से ये फिगर ऑफ स्पीच हमारी लैंग्वेज की ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं बेटा। हर माँ अपने बच्चे को बोलती है कि मेरा बेटा बड़ा बहादुर है। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि मेरा बेटा शेर के जैसा बहादुर है। एक तरीका और भी है कि मेरा बेटा शेर है शेर। अब शेर कहने का मतलब ये है, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, वो किसी से नहीं डरता, मीन्स वो बहादुर होता है। तो बात तो सारी एक ही है, लेकिन शेर के जैसा शेर होना ये अपने आप में फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारी लैंग्वेज की ब्यूटी को एक्सप्रेसिव बनाते हैं, अफेक्टिव बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो बेटा ऐसे बहुत से टाइप है फिगर ऑफ स्पीच के, लेकिन मैं तुम्हें केवल वही कराऊंगी जो 9th से लेकर 12th तक की पोएट्री सेक्शन में रेकमेंड की जाती हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये टॉपिक। द फर्स्ट वन इज सिमली। सिमली को बेटा मॉडर्न इंग्लिश में सिमल वर्ड भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है, दो डिफरेंट चीजों की तुलना की जाती है, उसमें एक क्वालिटी सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जो जिंदगी है वो स्वप्न की तरह है। द ग्लो ऑफ हर फेस वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन, यानी किसी का चेहरा बहुत चमक रहा होता है तो उसकी मतलब सूर्य की भी चमक रहती है, तो एक क्वालिटी तो सेम रहती है ना। तो जहां तुम्हें एज और लाइक वर्ड, इसका सिंपल एग्जाम्पल और भी देखते हैं बेटा। कोई बहुत शरारती होता है तो हम बोलते हैं कि ही इज एज नोटी एज मंकी। कोई बहुत चलाक होता है तो हम बोलते हैं कि ही इज एज कनिंग एज फॉक्स, लोमड़ी की तरह चलाक है। तो जहां तुम्हें एज वर्ड, जहां तुम्हें लाइक वर्ड दिख जाए, वो हमारा क्या रहता है फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली। सेकेंड इज मेटाफर। मेटाफर को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में बेटा क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड्स। सिमली के अंदर क्या होता है, कंपैरिजन तो किया जाता है, बट एज और लाइक, यानी शेर की तरह, चीते की तरह, उसकी तरह, उसकी तरह, तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन यानी कि एन इम्प्लाइड सिमली। लाइफ, अब जैसे लाइफ इज लाइट लाया था ना यहाँ पर, तो यहाँ लाइट नहीं लगा, लाइफ इज ड्रीम। ही इज द स्टार ऑफ द कॉलेज, हमारे कॉलेज का स्टार है। या ही इज द रफी ऑफ आवर स्कूल, यानी कि कुल मिला के डायरेक्ट जो बोला जाता है वो होता है मेटाफर, और कंपैरिजन में लाइक और एज का यूज किया जाए तो वो होता है सिमिली। थर्ड इज पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि नाम से ही पता है, पर्सन प्लस फिक्शन, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार बेटा क्या होता है, इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स थिंग्स इमोशंस का किसी का कंपैरिजन होता है, ह्यूमन क्वालिटीज उसको दे दी जाती हैं। कोई भी आमतौर पे तुम हिंदी में कविताएं पढ़ते हैं, उसमें लिखा जाता है कि प्रकृति हंस रही थी, प्रकृति रो रही थी, या कोई किसी की डेथ हो जाती है, बरसात हो रही है तो कहेगी प्रकृति भी रो रही है। इस टाइप से बातें हमारे घरों में भी चलती हैं। तो ये मानवीकरण अलंकार, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का इमोशंस का मानव के साथ तुलना करना। जैसे मान लो द मून स्माइल्ड अपॉन द रिवर। अब मून कोई मनुष्य तो नहीं, लेकिन फीलिंग दिखा रहा है कि वो स्माइल कर रहा है। स्माइल किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ह्यूमन की रहती है ना, तो वो खुश हो रहा है, यानी कि स्माइल पास कर रहा है। द ट्रूथ सिट्स, ट्रूथ क्या है, इमोशंस है हमारा, सच्चाई है। सिट्स अपॉन द लिप्स, सिट्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मनुष्य की होती है कि बैठता है,
तो यहाँ सच बैठता है किसके ऊपर, ऑन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, मरते हुए आदमी के, यानी कि कहते हैं मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, तो ये सच वहां बैठता है। तो सच क्या चीज है बेटा, सच एक इमोशंस है, लेकिन इसको मनुष्य की तरह तुलना किया गया है। तो ऐसी कोई भी बात जब तुम्हें लगे कि ये मनुष्य की तरह की गई लेकिन मनुष्य नहीं है, तुलना मनुष्य की जाए तो होता है मानवीकरण अलंकार। Yes, the next is alliteration. बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में बेटा क्या होता है, एक व्यंजन की पुनरावृत्ति रहती है, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, च की आवृत्ति बार बार आ रही है ना, तो इंग्लिश के अंदर भी हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना चाहिए। एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ये टंग ट्विस्टर है, इसको अगर स्पीड से बोलेंगे तो हमारे से गलती हो जाती है। शीप शुड स्लीप इन ए शेड, लाइफ लाइन, ये बट शॉर्ट में है, यानी कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि लंबी लाइन में वर्ड्स आएंगे, कई बार शॉर्ट सिर्फ दो वर्ड से भी हमारा अनुप्रास बन जाता है, यानी कि एलिटेशन। जैसे मैंने तुम्हें टेंथ में पोइम कराई थी बेटा, सम से द वर्ड विल, ऐसा था ना कुछ पोइम के अंदर सम से, तो ये दो वर्ड भी क्या है, एलिटेशन है। कोका कोला, अमेरिकन एयरलाइन, यानी कि मिनिमम टू वर्ड्स देने चाहिए, मैक्सिमम की कोई वो लिमिट नहीं है। जैसे कि हिंदी के अंदर भी टंग ट्विस्टर है बेटा, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, इसको फास्ट बोल के देखो, तो ये हमारी स्पीकिंग स्किल को इंक्रीज करते हैं, तो ये बड़ा एलिटेशन रहता है। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन यानी किसी चीज को रिपीट करना, दोहराना, दोहराव, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति अलंकार, यानी कि एक वर्ड का बार बार दोहराना दो से ज्यादा टाइम। रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस, कोई भी फ्रेजेस, जैसे हम कोई काम करते हैं, ये मैं कर सकता हूँ, हाँ हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यानी दो बार रिपीट किया, तो ये क्या बेटा, पुनरावृत्ति या रेपिटेशन। एक पॉइंट में बेटा प्लस टू क्लास के अंदर, प्लस टू के बच्चे तो बेटा जानते हैं, मैंने भी तुम्हें कराई थी माई मदर एट 66, तो उसमें जो पोएटेस है लास्ट लाइन बोलती है क्या, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो ये क्या है बेटा, रेपिटेशन है, ये पेपर के अंदर भी आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना। द पीएम सेड वर्क वर्क एंड वर्क आर द की टू सक्सेस, यानी कि वर्क तीन बार रिपीट हो गया या दो बार, कोई भी ऐसा वर्ड या फ्रेज जो रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेपिटेशन। तो कॉन्सोनेंट, सॉरी एलिटेशन और रेपिटेशन में यही फर्क है, उसमें कॉन्सोनेंट की साउंड देखी जाती है और इसमें वर्ड की, यानी कि दो वर्ड सेम आने चाहिए, वो थोड़ा गैप भी हो सकता है, यानी ये स्माइल्स वाली इकट्ठा भी आ सकता है और बीच में कोई हेल्पिंग वर्ड भी आ सकता है, तो ये वर्ड सेम रहना चाहिए, रेपिटेशन रहना। द नेक्स्ट इज हाइपरबली, इसको कुछ बच्चे हाइपरबोल बोलते हैं, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन बेटा हाइपरबली होता है। हाइपरबली हिंदी में बोलते हैं बेटा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति तुम हिंदी में समझते हो कि बेटा किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा के कहना। अब बड़ा चढ़ा के कहना, मुझे एक छोटी सी कविता याद आ गई बेटा, जब मैं प्राइमरी क्लास में पढ़ाया करती थी तो डीपीएपी की एक नई बुक आई थी, उसमें था कि मानो ना मानो हुई है बात, ये पोइम थी, बड़ी फनी पोइम है, थोड़ा सुनोगे तुम्हें मजा आएगा। मानो ना मानो हुई है बात, चुहिया ने मारी हाथी को लात, मानो ना मानो हुई है बात, चुहिया ने मारी हाथी को लात, इतनी जोर की थी वह लात, रोया हाथी दिन और रात, आंसू उसके बहते जाते, नदी और नाले भरते जाते, भरी नदी और आई बाढ़, डूब गए सब पेड़ बहार, इतनी जोर की थी वह लात, मानो ना मानो हुई है बात। तो बेटा ये बात कितनी बड़ा चढ़ाकर की गई, तो यही अलंकार है हमारा अतिशोक्ति, भी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, कि जैसे मैं तेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैंने तेरे को 10,000 बार समझा दी काम को करने के लिए, यानी किसी चीज को बढ़ाकर कहना क्या होता है, हाइपरबली। मोर देन रिक्वायर्ड गिव एग्जैग्रेट स्टेटमेंट, यानी कि जितनी जरूरत है उससे बड़ा चढ़ाकर बात कहना। एग्जाम्पल देखो बेटा, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, मैं उसके लिए पर्वतों को भी हिला सकता हूं, तो एक पहाड़ को पर्वत को हिलाना कोई आसान काम है बेटा, लेकिन ये बात है बड़ा चढ़ाकर। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स टू हेल्प विद द हाउस वर्क, जैसे आप कई बार कहते हैं भैया इसको 10,000 बार लाख बार कह दिया काम करवा दो, लेकिन क्या हमने गिनती करी कितने टाइम हमने मतलब उसको हेल्प करने को बोला, तो ये होता है बड़ा चढ़ाकर कहना। ही रेन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी वो तो इतनी तेज दौड़ता है, कोई बच्चा तेज दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ता है, ये तो बिजली से भी तेज दौड़ता है,
तो बिजली से ज्यादा स्पीड किसकी हो सकती है बेटा, ये बड़ा चढ़ा के हुई ना। आप आगे बढ़ कहते हैं विश्व का जितना लंबा है कुतुब मीनार जितना है, तो कुतुब मीनार की लंबाई और आम इंसान की लंबाई कितना फर्क है बेटा, यानी किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशोक्ति या हाइपरबली कहलाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, तो जितने भी इम्पोर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट्स, वो मैंने तुम्हें करवा दिए, आप इनकी प्रैक्टिस करें। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, कुछ बच्चे पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ा होगा या तुमने सुना होगा, ये सब सेम ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पोएटिक डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइस जो पोएट्री में यूज किए जाते हैं, यानी पोएट्री को सुंदर बनाने के लिए, तो यही डिवाइस होते हैं बेटा। इस तरह लिटरेचर के अंदर भी यूज होता है, इसलिए इसको लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करो और अपनी जितनी तुम्हारी पोएट्री की है सेक्शन, चाहे वो 9th क्लास है, चाहे वो 12th है, चाहे वो 11th है, पोइम के अंदर इन्हीं पॉइंट्स को देख के देखो कि कहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे व्हाट्सएप करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।